बूटस्ट्रैप नॉट असाइनमेंट। सही है, गेट स्टार्टेड। डॉक्यूमेंट सही है। सबसे पहले हमें चाहिए नैव बार। ये क्या दे रहा है भाई? हाउ इट वर्क्स। सही है, नैव बार वो हमें दे रहा है। उसके उससे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कंटेनर, बूटस्ट्रैप, 5.0। सही है, 5.0 सही है। अच्छा थोड़ा सा अगर इसको सेट इन तीनों लाइंस को पढ़ लें तो देखें वो क्या कह रहा है। डॉट कंटेनर अगर क्लास नेम यूज करेंगे, विच शेड्स अ मैक्स विड्थ एट ईच रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं? ब्रेक पॉइंट आपके ये होते हैं 800 पिक्सल। ये देख रहे हो, ये जो दिख रहे थे ऊपर, यहाँ पर ये जो ऊपर टॉप राइट पे दिख रहे नंबर, दैट इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट। 800 पिक्सल और 500 पिक्सल जिसपे हम मैक्सिमम चेक करते हैं, ठीक है। और डॉट कंटेनर डैश फ्लड विच इज 100 एट ऑल ब्रेक पॉइंट्स। और बस ठीक है, ये दो चाहिए थे। और बाकी इन्होंने और भी चीजें दी हैं जिसके हिसाब से आपको कंटेनर यूज करना हो, ये यूज करने से उस दिन जिसकी वजह से आपकी चीजें रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही थी, ठीक है। हम आते हैं और रिस्पॉन्सिव कंटेनर ये उठा लेते हैं। सेव किया, इधर आते हैं। वेब लेआउट और स्टाइल डॉट सी एस एस सबसे लास्ट, और उसके बाद है ये मेरा मेन कंटेनर विच इज कंटेनर फ्लड। सही कॉपी किया तो यहाँ रखा और यहाँ पे लिख दिया मेन कंटेनर, ठीक है। सेव, आउटपुट क्या है? ठीक है, मेरे पास वेब लेआउट आ रहा है। ओके, मुझे चाहिए किस तरीके का नेवबार? ये वाला नेवबार चाहिए ना, जिसके डिजेबल भी हो, ये भी हो, इस तरह का हो, और राइट पर ये सर्च बार वाली चीजें हो, विच इज नॉट वर्किंग, वर्किंग वाली नहीं है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं, बताओ कौन सा यूज करना है। सबसे फर्स्ट वाला, सबने फर्स्ट वाला यूज करा है। सही है, ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं। और दिस वन दिस वन इज ओके, ब्लैक वन, बट अंदर का कंटेंट किधर है इसका? वो तो है ही नहीं, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाले पे चलते हैं। ओके ठीक है, कॉपी टू क्लिप बोर्ड, और यहाँ पर आया मैं। सबसे पहले मैंने बना दिया नेव बार सेक्शन, कंट्रोल वी और शिफ्ट है। सही है, हमें क्या क्या चाहिए? पहले इसको रेंडर करके देख लेते हैं। सेव किया, वापस आते हैं।
ठीक है, हमें कुछ इस तरीके का मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है। ओके, हमें क्या क्या चाहिए? कैरूजल, होम लिंक, डिजेबल्ड और सर्च बार। सही है, नेव बार की जगह क्या आ जाएगा? कैरूजल किधर आएगा? लाइन नंबर बताओ देख के जल्दी जल्दी। ये देखो यहाँ पे नेव बार लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है? कैरूजल। कैरूजल किधर आएगा? उसमें जी लाइन नंबर 23। अभी जल्दी जल्दी आंसर देने का है। सही है, सी ARUSA, यही है RUSEL, SEL। ठीक है, और इसके अलावा होम लिंक और डिजेबल्ड, होम लिंक और डिजेबल्ड हमारे पास क्या है? होम लिंक ड्रॉप डाउन हटा देते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन के लिए जी बताइए कौन कौन कहाँ से कहाँ तक रिमूव करना पड़ेगा? LI पूरी जाएगी पीछे वाले भाई? 47 यहाँ सिर्फ ये जाएगा? यार ऐसे जवाब तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हर कोई अलग बता रहा है। आप क्या कह रहे हैं, कहां से कहां तक लाइन नंबर? ओके 50 तक जाएगा, और आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, पीछे वाले जो आगे आना चाह रहे हैं आगे आ जाएं सारे। 37। अच्छा ठीक है, अगर आपने सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले पता क्या देखना है? होम लिंक ड्रॉप डाउन। मैंने देखा होम जो है वो किसके अंदर है? LI के अंदर है, लिंक LI के अंदर है, तो ड्रॉप डाउन भी LI के अंदर है, तो उस LI को बंद कर देते हैं, इसको पूरे को रिमूव कर देंगे। ठीक है, टारगेट्स एलिमेंट्स को टारगेट्स करना है उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को देखते हुए। ठीक है, इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। ठीक है, कैरिजल, होम लिंक और डिजेबल्ड, होम लिंक और डिजेबल्ड। ये वाला कलर कैसे आएगा? ये वाला कलर कौन सा है? ये वाला कलर हम चेक कर लेते हैं। मैं इधर गया, इधर नहीं। व्हाट फॉन्ट? नहीं, कलर तो ना। यस, ये मुझे हर जगह के कलर बताएगा। सही है, दिस वन, यस दिस वन, कलर कॉपी टू फ्लिप बोर्ड। ठीक है, डॉट, कस्टम, डैश, नेवबार, बैकग्राउंड कलर, दिस। ठीक है, सेव किया, डॉट, कस्टम, नेवबार कहाँ देना है? सेव, कॉपी जी, नेव बार की क्लास के आगे, क्लास नंबर 1, 2, 3, इसके आगे 4। ठीक है, ले आओ चेयर्स, ले आओ। सेव किया और वापस आते हैं। नहीं हुआ जी, इम्पोर्टेंट लगा देंगे। सही है, ओके, ये कहां से आ रहा है? दिस वन। इसको कैसे टारगेट करेंगे? चलो उसको टारगेट करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास वाइट कलर है, सबसे पहले तो ये पुट करना है। व्हाइट कलर कैसे पुट करें, कहाँ कहाँ पे लिखेंगे? एक मिनट, डॉट, नेव, डैश, लिंक्स, कलर व्हाइट। ठीक है, सेव किया, डॉट, नेव, लिंक्स किधर लगाना है जी?
एंकर में है, इधर इधर कॉपी किया, नेवलिंग्स कंट्रोल भी सही है, सेव करते हैं, चलाकर देखते हैं, नॉट वर्किंग। सेव आर, ठीक है ओके, वापस आते हैं, नेवलिंक्स इससे उठाकर ओके, इनके पास नेवलिंक पहले से रखे हुए, चलो ठीक है, हमारे पास एस वाला है, सही है, हमारा ये जो एस वाला है ये हमारा है, ठीक है, और डिजेबल्ड से पहले, सही है। अब ये चीज मैं पहले कैसे लगा रहा हूँ, बाद में कैसे लगा रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ पता चल जाएगा कि कौन सी चीज से पहले लगाना है, कौन सी चीज के बाद लगाना है। जहां पे डिजेबल्ड लगा हुआ होगा वो सबसे लास्ट होगा ऑलवेज, ठीक है, सेव किया, और कैरुजल पे भी लगाना होगा, सेव और आर, ठीक है, डिजेबल्ड नहीं चाहिए, बल्कि ठीक है वो डिजेबल हुआ हुआ तो है ना, सही है। एक टास्क हमारा क्लियर है, नेविगेशन बार का, लेकिन वो अभी फिक्स है या नहीं ये हमें नहीं पता, सही है। अगर मैं यहाँ पर आऊं, ठीक है, बिल्कुल वो सही काम कर रहा है उसके मुताबिक, और इंस्पेक्ट एलिमेंट से देखूं, अगर दिस बॉडी इधर से आ जाते हैं, सही है, बॉडी उसके अंदर फ्लड कंटेनर, सही है, तो फ्लड कंटेनर से यहाँ से डिफॉल्ट पे कुछ स्पेस दिया हुआ है जो कि कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है, जाने दो, ठीक है ओके। उसके बाद क्या चाहिए, क्या चाहिए, स्लाइडर, सब देखो मैं बता रहा हूं ना, अभी देखते हैं जी, बिल्कुल इस पे आ जाता, उसको देना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना, नीचे नीचे जाओगे तो वो स्पेसिंग देगा भी, ठीक है, हमें थोड़ा, हम ये जो आप कह रहे हो पूरा पूरा देना चाह रहे हो उसको हम अभी कवर करेंगे, सही है, सब्र रखो थोड़ा ओके। ये वाला सेक्शन हमारा जब कंप्लीट हो गया तो कोड रीडेबिलिटी दूसरे वाले के लिए आसान हो जाए, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्लीटेड, ठीक है सही है, एक सेक्शन कंप्लीट। उसके बाद मैं आता हूँ कहाँ पर, बूटस्ट्रैप कंटेनर, और यहाँ से मैंने ये वाला कंटेनर उठा लिया, नाउ पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्लाइडर सेक्शन, ठीक है, जो रखूंगा इसके अंदर रखूंगा, ठीक है। अब इस तरह ये होगा कि जब आप एलिमेंट्स की कस्टमाइजेशन करोगे तो बार बार जब उसको कंटेनर मिलता रहेगा तो वो हर उसके अंदर की चीजों को ऑटोमेटिक जो है रिस्पॉन्सिव करता रहेगा, ज्यादा आपको इतना झंझट नहीं पालना पड़ेगा। जब बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है तो ये चीज कम भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है, ये इसमें आपका काम ज्यादातर कब होगा, बूटस्ट्रैप के साथ रिस्पॉन्सिवनेस का, मीडिया क्यूरी आपने लिखी हुई है वो सही है, एक्स्ट्रा आपने चीजें लिखी हुई हैं तो वो सही नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं, सेव आर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। क्या चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा, ये CAROUSEL, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा कह रहा है ये ओके, एनिमेट हो रहा है, एनिमेट हो रहा था या नहीं था, नहीं हो रहा था, माउस हटा देते हैं, एनिमेट हो रहा था, हो रहा है, सही है, बहुत लंबा टाइम है, इतनी देर में तो बंदा भाग जाएगा, चलो एनिमेट भी हो रहा है, उसके बाद टेक्स्ट भी है, उसके पास बटन भी है, और उसके पास ये भी है, सही है ठीक है। यहां पर कौन सा ऐसा बेसिक लास्ट वन, ऑटोमेटिक स्लाइड हो रहा है,
ऑटोमेटिक स्लाइड वाला कौन सा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे है ऑटोमेटिक स्लाइड, उस दिन स्टूडेंट्स ने लगाया था, इन लोगों ने लगाया उस दिन। फर्स्ट स्लाइड। अच्छा ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये तो दे दिया। यार ये वाला, दिस वन, दिस वन नहीं, और कौन सा? ये देखो इन्होंने ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड ठीक है, ये जो है। अच्छा ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, ये जो कैप्शन है उसके बराबर में यहाँ पर है, सही है। ओके, आप कौन सा कह रहे हो? और नीचे, अच्छा दिस वन ऑटोमेटिक नहीं है, तो फिर कौन सा? खत्म स्लाइडर, बॉयज स्लाइडर खत्म। हाँ सही है। अच्छा देखते हैं, हम ऊपर जरा जाते हैं। एक तो ये कि कैप्शन के सामने, हाँ यस, वो टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ लेकिन हम पहले जो हमें हमारे रिक्वायरमेंट है पहले वो लगा के चेक कर लेते हैं, ये वाला स्लाइडर, ठीक है। ठीक है, इन्होंने हमारे पास टेक्स्ट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बटन इस तरह का चाहिए, वो चीजें हम देख लेंगे, ठीक है। इसका कोड ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करा और कंट्रोल भी, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, देखते हैं SRC इमेजेस, ठीक है। इमेजेस कितनी? 1 2 3, इमेज 1 2 3, सही है। ओके इमेजेस लेकर आ जाते हैं, 1 तो है हमारे पास, AC, कंट्रोल भी, ठीक है। आते हैं यहाँ पे फटाफट, और डॉट डॉट स्लैश नहीं, डॉट स्लैश इमेजेस, इमेज 1 डॉट जेपेग, सही है। और img डैश 1, img डैश 2, डॉट स्लैश इमेजेस, इमेज 2 डॉट जेपेग, और नंबर 3 कहाँ है? दिस वन, यही ना जो हाईलाइट हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, क्या करेंगे? फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड, हमें फर्स्ट सेकंड से तो खेलना नहीं है ना। कंट्रोल एक्स, चीजें समझ में आनी चाहिए, काम करके इस तरह रही है, ठीक है। और डबल डॉट स्लैश, नॉट डबल डॉट स्लैश, डॉट स्लैश इमेजेस 3 डॉट जेपैक। ओके फर्स्ट स्लाइड को हमने वहां करना है और इसको यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले गया, ठीक है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आया, और थर्ड वाली को मैं यहाँ ले आया, कैसा हो गया वही काम, ठीक है। कौन सी छोटी? ये है ऑल्ट दबाकर एरो अप डाउन, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड थर्ड स्लाइड, और हमारे पास भी सबके पास सेम रखे हुए हैं। आते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। सेव आर, उसने टेक्स्ट दिया है, लाइंस भी दी हैं, हम पहले चलाकर देख लेते हैं और इस तरह क्यों आ रहा है उसको भी देखते हैं, ठीक है। क्लिक किया,
मेरे पास सेकंड भी आ रहा है, और क्लिक किया मेरे पास थर्ड भी आ रहा है। बटन्स हमारे बिल्कुल फंक्शनल हैं, और इनको देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल फंक्शनल है। सही है, ओके। ये स्पेस कहाँ से आ रहा है? ये स्पेस यहाँ से आ रहा है कि आपका जो ये वाला कंटेनर है उसकी अगर आप थोड़ी सी जाके डिटेल पढ़ोगे तो वो आपको राइट लेफ्ट से पैडिंग में स्पेस देता है। ठीक है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये वाला लगा देते हैं। ये क्लास यहाँ से कॉपी करी, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके लगा दी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वी सेव। अभी हम सब बिट्स की बात करें, आहिस्ता आहिस्ता सारे एरर सॉल्व करेंगे। और ठीक है, फिर भी हम उसने थोड़ी सी स्पेस अभी भी ली भी है। इसी वाले को उठा लेते हैं, कॉपी किया, वी सेव आर। ठीक है, ओके। हमें इसके साथ और इसके साथ खेलना पड़ेगा, लेकिन पहले हम अपना स्लाइडर सेट करेंगे। ठीक है, ओके। इमेजेस के लिए, इमेजेस का साइज कैसे कंट्रोल किया था? हाइट विड डिफाइन करके या उन्हीं के ग्लासेस के साथ? उस मेरे पास उस साइज पर नहीं आ रही। चलो ठीक है, अगर उस साइज पर आ भी गई, क्लाइंट तो जो अपनी इमेजेस देगा आपको तो वो यूज करनी है ना। अपनी क्लाइंट जब आपको काम देगा, इमेजेस भी वो खुद देगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत डिटेल की बात है, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ सही है, ठीक है, ओके। हम इसको सेट करते हैं थोड़ा सा। इमेज कहाँ पर है? इमेज को कैसे टारगेट करेंगे? आप लोगों ने कैसे किया था? ब्लॉक डी डब्ल्यू 10 100। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, कस्टम इमेज डॉट कस्टम डैश IMG। हाइट कितनी? BH नहीं, 50 BH। ठीक है, व्यू हाइट। कंटेनर को, इमेजेस को जब आप विड्थ दो तो VH में दो। सही, सेव किया, वापस आते हैं, एक को लगाकर देखते हैं पहले। कॉपी किया, ओके। सबसे पहले हमें इधर फाइंड करना होगा कि कहीं पे हाइट तो नहीं डाला हुआ। HAIGHT, हाइट कहीं नहीं डाला हुआ। कंट्रोल भी, ठीक है, सेव आर नॉट वर्किंग। नहीं चल रहा भाई, कोई और सॉल्यूशन बताओ। कैसे करा था? मैं देख रहा था इमेजेस के पास, आप लोगों के पास बड़े मसले आ रहे थे, लेकिन सॉल्व भी तो करना है ना। अगर ऐसा इशू आ जाए तो सॉल्व भी तो करना है मेरे पास। ओके, मैं दूसरे वाले पे लगा दिए शायद, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। सही है, फर्स्ट यार, फर्स्ट स्लाइड उस पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट इस पे लिखा हुआ है। तो कंट्रोल आर, इधर कौन सी स्लाइड लिखा हुआ है? थर्ड स्लाइड। हाँ नो नो आर यार, थर्ड स्लाइड इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम लगा दें इसको पहले, क्या होगा? अब कौन सी पहले आएगी? सेम रिजल्ट आर डब्ल्यू।
सही है, चलो वापस आते हैं, कंट्रोल जी। और ये जो हमने क्या लगाया था थोड़ी देर पहले, कस्टम इमेज कॉपी किया, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, नॉट हेयर। और शिफ्ट एफ सेव, और वापस आते हैं, कंट्रोल आ। ठीक है, सही है सर, आप सही कह रहे हैं, 70 VH लगा देते हैं। आर 80 VH, 100, 100। लेकिन इसको पता है बाद में कंट्रोल करना पड़ेगा फिर। सही है, मेरे पास बिल्कुल सेट हो गया वो अपनी जगह पर। ठीक है, अब इसको हम चला कर देखते हैं, वो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन टेक्स हमारा अभी भी सही कंट्रास्ट में नहीं है। वो कैसे टारगेट करेंगे, स्लाइडर हेडर डॉट स्लाइडर डैश हेडर, कलर ब्लैक, कॉपी किया। बताओ स्लाइडर हेडर कहाँ लगाएंगे, स्लाइडर हेडर कहाँ लगाएंगे, H5 पर। सही इंपॉर्टेंट लगाने की जरूरत अब है कि नहीं है। हाँ चेक करना पड़ेगा, गुड आंसर। सेव, ठीक है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और टैक्स के लिए भी हमें, अगर हमें ब्लैक कलर ही रखना है, तो इंस्टेड ऑफ दूसरी क्लास बनाए, हम इसी को यूज कर लेंगे। सेव किया, सेव फॉर आर। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है, अब देखते हैं ये किधर है। ओके, ये वाले बटन्स, ये वाले बटन्स, प्रीवियस और नेक्स्ट, विजुअली हिडन। इन बटन को टारगेट करना है, ब्लैक कलर करना है, कैसे करेंगे। हाँ तो भी चलेगा, इन बटन्स को कैसे टारगेट करेंगे, मुझे इन पे ब्लैक कलर लगाना है। ये देख रहे हो क्या हो रहा है, ओवर इफेक्ट है। ठीक है, जो मेरा डॉट मूवमेंट डैश BTN, कलर ब्लैक, कॉपी किया, सेव किया, वापस आए। किधर, विजुअली हिडन पर या प्रीवियस पर। नाइस आंसर, सही है, सेव करते हैं और वापस आके देखते हैं। आर नॉट वर्किंग, नो सर, मैंने कहाँ लगाया है, तुम कह रहे हो उधर लगाऊं। ये ना, नो, एनीवन एल्स, आर
एक और ट्राई मारते हैं, उसके बाद जो है डिटेल में जाएंगे। या नो, ठीक है वापस आते हैं। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? पान कैरूजल कंट्रोल प्रीवियस डैश आइकन। ठीक है ये याद रखना क्या लिखा हुआ है। सही है, क्या लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ है? प्रीवियस के ऊपर। सही है, ठीक है ये है। मूवमेंट बटन पर सेफ या आर नॉट वर्किंग, वॉइस नॉट वर्किंग। और क्या हमारे पास ऑप्शन है? अब कोई चीज काम नहीं कर रही तो आप क्या करें? कोई चीज काम नहीं कर रही तो आप क्या करें? और दूसरी चीज ये हमारे पास मसला है कि कंटेनर फ्लड, ये स्पेस नजर आ रहा है जो मैं दिखा रहा हूं? स्पेस नजर आ रहा है, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस। ठीक है एक ये वाला है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो भी कंटेनर फ्लड है। एक ये वाला स्पेस है, उसकी बात कर रहा हूँ, नजर आ रहा है? ठीक है तो ये कैसे कंट्रोल होगा? अगर कोई भी एक भी जवाब दे दे तो मैं समझ जाऊं कि हाँ उसको काम समझ में आ रहा है। हाँ हाँ ये तो खुद आ रहा है ना, हमें इसको हटाना है। कैसे हटाए? लगाया क्यों है यार, ये तो जवाब सही नहीं है। देखो ये उतना ही स्पेस है जो ये वाला है। सही है, उधर क्या है डिप डॉट कंटेनर फ्लड, इधर क्या है डिप डॉट कंटेनर फ्लड। तो हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और अपने इस वाले डिप को कमेंट करते हैं। क्या स्पेस कवर हो जाएगा? होगा, पक्की बात है। ऑल शिफ्ट एफ सेव आर, ठीक है आपके पास स्पेस कवर हो गया। कंट्रोल टी F12, W जी। सही है, अब चेक करना शुरू करते हैं, प्रॉपर वर्क कर रहा है ये भी। सही है, और ये हमारी हाइट भी खराब नहीं हो रही है, जो उसकी मूवमेंट है वो भी वर्क कर रही है। सही है, और ठीक है मेरी इमेज खराब नहीं कर रहा वो, क्यों? क्योंकि मैंने, हाँ यस, एक एक बात वो है, दूसरी बात ये है कि आपके पास बूटस्ट्रैप की जो IMG का टैग है, जब तक उसकी हाइट बिट के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे वो आपकी इमेज की एक्चुअल क्वालिटी को खराब नहीं करेगा। ये वाली अगर आप देखो, ये तो मेरी इमेज ही खराब है तो बुरी सी आ रही है। ठीक है ये इमेज ही खराब है। ठीक है ऐसे करते हैं, वो जो बुरी सी इमेज है उसकी जगह कोई दूसरी ले लेते हैं। IMG2 5.JPG सेफ आर, ठीक है इधर आ गया। फोर सेफ बस सेट है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। मेरी यार क्या हो रहा है ये? टॉम हाँ सही है, ऐसे ही कर लेते हैं यार।
क्योंकि अभी शशके या हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, इतना एरिया हमारा रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, क्या काम रहता है इसमें एनिमेट नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? एनिमेट नहीं हो रहा, सही है। उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। एक एनिमेट नहीं हो रहा, और दूसरा एक हमने ये ट्राई नहीं करा कि ये अभी फिक्स है या नहीं है, दूसरा ये। ठीक है, ओके, वापस आता हूँ। यहाँ पर एक चीज थी, कैप्शन। कैप्शन ये रहा, ठीक है, इसके कोड को कॉपी कर लेते हैं। और कहाँ पर आएंगे थोड़ी देर के लिए, ये जो अपना कोड है इससे बहुत नीचे आकर ये आपकी प्रैक्टिस की आदत हो जाएगी, कंट्रोल भी। थोड़ा सा अपने कोड के पास जाते हैं और कैरुसेल का कोड देखते हैं। कैरुसेल स्लाइड, कैरुसेल एग्जाम्पल कैप्शंस, इंडिकेटर्स और दिस दिस दिस। ठीक है, इसके पास आते हैं। कैरुसेल एग्जाम्पल ऑटो प्लेइंग ये काम हमारा कर देगा। ठीक है, कैरुसेल एग्जाम्पल ऑटो प्लेइंग, और हो सकता है कि डेटा भी यूज करना पड़े, कैरुसेल स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमारे पास लगा हुआ है। कॉपी करते हैं इस आईडी को, डेटा बी एस डैश राइट कैरुसेल। कैरुसेल स्लाइड इसके पास था, आईडी इसके पास क्या है? अब मैंने ये वाली इसको आईडी दे दी है। ठीक है, एग्जाम्पल कैप्शन को मैंने हटा दिया है। सही है, समझ आया है किस किस को क्या किया मैंने? उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस वाले कोड को जाके कमेंट भी करना पड़ेगा, वरना बाद में वो भी आ जाएगा, वो दिखाना नहीं है। ठीक है, सेव किया। हाँ सही है, आते हैं उसके पास भी, थोड़ा सा सब्र करके देख लेते हैं क्योंकि वो पहली वाली बड़ी देर में हो रही थी। और एक और इश्यू ये है, आर ऑटो प्लेइंग इज नॉट वर्किंग। ये वाले वर्क कर रहे हैं, ओके, उसने इस वाले को भी रोक दिया है, इस वाले को भी रोक दिया उसने। इस चीज पे किसी ने पहले वर्किंग करी है? किसी ने पहले वर्किंग करी है इस चीज पर? ओके, जरा इस पर दोबारा आते हैं। ये जो हमारे पास चल रहा था ऑटोमेटिक, क्या वो इस पे भी चल रहा है? लेकिन इसका ऑटो कहाँ गया? चल नहीं रहा, वो चल रहा है, ऑटो भी चल रहा है और वो भी चल रहा है। सही है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको खोलते हैं, इस वाले डिव में ये जो सारा डेटा रखा हुआ है ना, ये सारा उठा लेते हैं। कॉपी किया, और कैरुसेल इनर के अंदर हमारे पास इमेजेस हैं। वापस आते हैं, कैरुसेल इनर हमारे पास ये है। ठीक है, और ये किसी को पता है ये क्या है? ये तीन जो बटन है ये आपके ये हैं, वो जो नीचे ये आ रहे हैं दीस बटन्स, वो ये हैं। ठीक है, और हम आते हैं जी, वर्किंग करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्यों? क्लासेस चेंज करी है। देखो, कैरुसेल स्लाइड कंट्रोल जी अगर करें, कैरुसेल स्लाइड तो उसमें भी था, और वाई कैरुसेल स्लाइड इसमें भी है, क्लासेस तो चेंज हुई नहीं। एट्रीब्यूट्स चेंज हुए हैं लेकिन क्लासेस चेंज नहीं हुई। सेव किया, वापस आते हैं। आर ठीक है सर,
हुआ ठीक है। और कौन सी स्लाइड है? सेकंड स्लाइड है। बटन्स आर नॉट वर्किंग। अब क्या करेंगे? इधर से कोड देखो और मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा काम तो चला दिया है। इनके पास बटन वर्किंग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, सही है। आपका मैंने ऑटोमेटिक तो चला दिया है, ठीक है। क्लासेस को थोड़ा सा रिव्यू करो और मुझे बताओ कहाँ पे क्या लगाना है। इधर आते हैं वापस। जी, नेक्स्ट और प्रीवियस। मैं बस घर पहुंच रहा हूँ 15 मिनट में, सही बता रहा हूँ? सही है, सही है, सही है। यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, काम वाम के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ यार। चलो ठीक है, देखते हैं। सही है, ये काम समझ आया? सेव किया, वापस आते हैं। आर, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। येलो कहाँ लगा हुआ है? दिस वन सेव, ठीक है। आपके पास एक अच्छा सा थोड़ा सा लेआउट तैयार है। हाँ, वो भी हटा दूँ? ये स्पेस, मसला करेगा वो, अभी देखते हैं। हाँ ये कह रहे हो? ठीक है, सीम्स लाइक गुड, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो भाई अब से जितने भी लेआउट बनेंगे ना आप लोगों के, वो सारे रिस्पॉन्सिव बनेंगे, क्लियर है? और वापस आते हैं, हमारे पास क्या है? ये हो गया, ये सेक्शन बन जाएगा, ये सेक्शन बन जाएगा उसके साथ, ये वाले सेक्शन और ये वाले सेक्शन के साथ। आपको किसी भी किस्म, अगर हम ठीक है आते हैं थोड़ी सी